मार्कशीट बनाने के लिए हम लोग शीट पर सबसे पहले सेल पर कोई भी एक डमी नाम स्कूल का टाइप कर लेते हैं, लाइक एबीसी स्कूल करीमाबाद कराची, और डिफरेंट सेल के ऊपर डिफरेंट कैप्शंस या हेडिंग्स टाइप कर लेते हैं। लाइक मुझे एक मार्कशीट बनानी है जिसके अंदर सीरियल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल परसेंटेज और ग्रेड की कुछ हेडिंग्स होनी चाहिए। सीरियल नंबर प्रिंट करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप वन लिखकर माउस को डॉट के ऊपर रखें, जब वो प्लस बन जाएगा तब क्लिक प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, ये मार्कशीट्स के सीरियल नंबर जो है वो जनरेट हो गए। देन उसके बाद आप डमी नाम अपनी मर्जी से कोई भी टाइप कर दें, देन सीरियल नंबर में से सॉरी रैंडम नंबर्स इंग्लिश मैथ साइंस कोई भी अपनी मर्जी से आप टाइप कर दें। टोटल निकालने के लिए इसमें सबसे आसान तरीका यह है कि आप पहले तीन नंबर्स को रेंज में लें, जहां आपको टोटल का आंसर चाहिए वहां तक की रेंज बना लें, और हमारे पास यहां एक टूल है ऑटोसम, जस्ट उस पर क्लिक करें आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप बारी बारी तमाम स्टूडेंट्स के कॉलम्स को रेंज में लेकर उनका टोटल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एक करके तमाम का टोटल निकालेंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा, क्योंकि अगर मेरे पास ये 10 रिकॉर्ड्स हैं तो इनका टोटल करना कोई बिग डील नहीं है, लेकिन अगर एक बहुत बड़ी मार्कशीट है तो उसपे टोटल निकालने के लिए मुझे इस तरह से अगर मैं करूंगा तो काफी टाइम मेरा उसमें यूज हो जाएगा। तो इसका बेहतर और आसान तरीका यह है कि तमाम नंबर्स को आप रेंज में ले लें और जहां इसका टोटल चाहिए वहां तक की रेंज बना लें, और जस्ट एक ऑटो सम के बटन पर क्लिक करें, तमाम स्टूडेंट्स का टोटल आपके पास एक ही क्लिक पर आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप सिर्फ पहले स्टूडेंट का टोटल निकालें और उस पर डबल क्लिक कर दें, आपके पास तमाम स्टूडेंट्स का टोटल आ जाएगा, या फिर उसको जस्ट ड्रैग कर दें, तमाम स्टूडेंट्स का टोटल आपके पास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूला परसेंटेज का। एक्सेल में हर फार्मूला स्टार्ट होता है इक्वल के साइन के साथ, तो सबसे पहले हम लोग इक्वल बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद स्टूडेंट के टोटल नंबर पर क्लिक करते हैं। मेरे पास आ रहा है F5। F5 इसलिए आ रहा है क्योंकि F कॉलम और 5 नंबर की रॉ पर मैं मौजूद हूं और इसने उस पर्टिकुलर सेल को रेंज में लिया हुआ है, तो इसलिए मुझे वो बताता है F5। हम कहते हैं ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब अली ने इंग्लिश में 85 नंबर लिए 100 में से, मैथ्स में 74 नंबर लिए 100 में से, साइंस में 74 नंबर लिए 100 में से, तो एक्चुअल में मेरे पास तीन सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट को 100 100 100 में से नंबर दिए, तो टोटल सब्जेक्ट नंबर हो गए 300। तो मैंने यहां पर दिया डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100। ओवरऑल परसेंटेज हमेशा हम लोग 100 में से निकालते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 दिया, एंटर किया, फर्स्ट स्टूडेंट की परसेंटेज मेरे पास आ गई, और बिल्कुल पहले की तरह हम इसको ड्रैग करते हैं, तमाम स्टूडेंट की परसेंटेज मेरे पास आ गई। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट फार्मूला है ग्रेड का। अब ग्रेड के फार्मूले को यूज करने से पहले पांच लॉजिकल चीजों को समझ लें। ग्रेड के फार्मूले में साइन यूज होती है, नंबर वन ग्रेटर देन, इस साइन को कहते हैं ग्रेटर देन, इसके बराबर एक और साइन यूज होती है जिसको कहते हैं लेस देन। अगर मैं कहता हूं कि बच्चे की वैल्यू बड़ी है 80 से, तो कंप्यूटर जो है वो 80 से बड़ी वैल्यू को चेक करेगा, 80 को नहीं चेक करेगा, यानी 81 82 83 को चेक करेगा, क्योंकि हमने कहा कि अगर परसेंटेज बड़ी है 80 से तो उसमें 80 को नहीं चेक किया जा रहा, 81 82 83 को चेक किया जा रहा है। अगर हम कहते हैं कि वैल्यू छोटी है 80 से, तो इसका मतलब है कि वो 80 को नहीं चेक कर रहा, 80 से छोटी वैल्यू को चेक कर रहा है, 79 78 76 को। हम कहते हैं कि अगर वैल्यू बड़ी है बराबर है 80 के, तो इसका मतलब है कि वो 80 को भी चेक करे और 80 से बड़ी वैल्यू को भी चेक करे, क्योंकि हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर दिया। अगर हम कहते हैं कि परसेंटेज छोटी है इक्वल्स टू 80, परसेंटेज 80 को भी चेक करेगा और 80 से छोटी वैल्यूज को भी चेक करेगा। जबकि पांचवी कंडीशन है परसेंटेज बराबर है 80 के, तो एग्जैक्टली 80 अगर परसेंटेज आ रही है तो उसी को वो चेक करेगा, अदरवाइज तमाम वैल्यू को वो इग्नोर करेगा।
तो ये पांच डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जो हम लोग आमतौर पे ग्रेड के इस फार्मूले में इस वक्त यूज करने जा रहे होते हैं। पहला फार्मूला ग्रेड का पहले स्टूडेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इक्वल्स टू इफ, इफ का मतलब है अगर, ब्रैकेट ओपन, इस सेल की वैल्यू, पहले बच्चे की परसेंटेज पे क्लिक किया, सेल एड्रेस आ रहा है G5, हमने कहा अगर इस सेल की वैल्यू बड़ी है बराबर है 80 के तो कॉमा उस बच्चे को ए प्लस ग्रेड दे दें। एक्सेल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमेशा ख्याल रखना कि वो वैल्यू जो आपको स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट करवानी होगी उस वैल्यू को आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देते हैं। हमने कहा अगर G5 की वैल्यू बड़ी है बराबर है 80 के तो कॉमा उस बच्चे को ए प्लस ग्रेड दे दें, और अगर ऐसा ना हो तो क्या करें, फिर हमें दूसरी कंडीशन लगानी होगी और दोबारा इफ को खोलकर दोबारा उस पर एक नया फार्मूला एड करना होगा। एक्चुअली फार्मूले का सेंटेक्स यही होगा, फार्मूले की कंडीशन चेंज होती रहेंगी, मैं आपको करके बता देता हूं। दूसरा फार्मूला लगाने के लिए हमने कॉमा लगाया और लिखते हैं इफ, जब इफ के अंदर मजीद इफ खुलते हैं तो उसको कहते हैं नेस्टेड लूप, ब्रैकेट ओपन, अगर इस सेल की वैल्यू बड़ी है बराबर है 70 के तो उस बच्चे को ए ग्रेड दे दे। तीसरी कंडीशन, इफ अगर इस सेल की वैल्यू बड़ी है बराबर है 60 के तो उसको बी ग्रेड दे दे। देन फोर्थ कंडीशन, अगर इस सेल की वैल्यू बड़ी है बराबर है 50 के तो उसको सी ग्रेड दे दे। इफ अगर इस सेल की वैल्यू बड़ी है बराबर है 40 के तो उसको डी ग्रेड दे दे। फाइनली हम कहते हैं कि अगर सेल की वैल्यू छोटी है बराबर है 39 के तो उसको फेल कर दे। अब जितने ब्रैकेट ओपन हुए हैं उतने ब्रैकेट हमें क्लोज कर देंगे। एक्सेल में यूजुअली ये होता है कि जब आप एक दफा ब्रैकेट ओपन करते हैं तो उसे क्लोज करने की नीड नहीं होती है, लेकिन जब आप एक से ज्यादा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उनको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो यहां पर मेरे 6 ब्रैकेट्स ओपन हुए हैं तो मैं उन 6 ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, और हर ब्रैकेट का अपना एक कलर है तो हमें उससे अंदाजा भी हो जाता है कि वो ब्रैकेट प्रॉपरली क्लोज हो रहे या नहीं हो रहे। फाइनली मैंने एंटर किया, पहले बच्चे का ग्रेड मेरे पास आ गया और इसको सामने रखते हुए मैं ड्रैग करता हूं, तमाम स्टूडेंट्स का ग्रेड मेरे पास आ जाता है। अब एक्सेल में इतने फार्मूले लगाने की क्या जरूरत थी या इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत क्या थी, ये काम हम शॉर्ट तरीके से भी कर लेते तो हमारा आंसर जो है वो जनरेट हो जाता या हम मैनुअली टाइप कर लेते हाथ से लिख लेते। एक्चुअल में एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके फार्मूले ही है, लोग एक्सेल को पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं उसका रीजन यही है कि उसके फार्मूले बड़े खतरनाक है। लोगों को पसंद आते हैं फार्मूले तो वो मेहनत करते हैं सीखते हैं, लोगों को नहीं पसंद आते तो घबराते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो एक्सेल में क्या फायदा हुआ इन फार्मूलों को लगाने से, मिसाल के तौर पर अली का जो टोटल आ रहा है वो 233, परसेंटेज 76 और ग्रेड ए प्लस, ए ग्रेड आ रहा है सॉरी। अगर मैं इसके सब्जेक्ट नंबर को कम करता हूं, आप देखें इसके टोटल परसेंटेज और ग्रेड के ऊपर चेंजिंग आ रही है, ये देखें दूसरे नंबर को चेंज कर रहा हूं, आप देखें इसके रिजल्ट चेंज हो रहा है। तो कंप्यूटर जो है वो दिए हुए फार्मूले के दरमियानी मूवमेंट कर रहा है और आंसर ऑटोमेटिकली टोटल परसेंटेज ऑफ ग्रेड का जनरेट कर रहा है। अगर मैं इसके नंबर्स को इंक्रीज करता हूं, आप देखें इसका टोटल परसेंटेज इंक्रीज हुआ, इसका ग्रेड जो है वो इंक्रीज हुआ, इसका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, एवरीथिंग वर्किंग में है क्योंकि हमने फार्मूलों में तमाम चीजों को जो है वो ऑर्डर पोजिशन के अंदर रखा हुआ है। तो ये एक मार्कशीट का कॉन्सेप्ट है। मार्कशीट को क्रिएट करने के बाद जो हमने टॉप पर हेडिंग्स दी थी, अब इसको जरा सेंट्रलाइज करते हैं अपनी मार्कशीट का। इस वक्त मेरा जो आखिरी कॉलम है वो एच है, तो हम लोग मार्कशीट को एच कॉलम से रेंज बनाना शुरू करते हैं, ए से और एच तक की रेंज बनाते हैं। ये पहले टेक्स के साथ आप बिहेव करेंगे। यहां पर एक टूल है हमारे पास मर्ज एंड सेंटर, जस्ट इस टूल पर क्लिक करते हैं हमारा टेक्स सेंट्रलाइज हो गया मार्कशीट का। देन सेकेंड हेडिंग को चूज किया करीमाबाद कराची और इसको भी हमने सेंट्रलाइज कर दिया। देन उसके बाद बोल इटाले को सारे टूल्स में आपको बता चुका हूं, आप फॉर्मेटिंग के हवाले से उनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं टेक्स्ट की बॉर्डर बना लेता हूं और ताकि मेरा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के हवाले से खूबसूरत नजर आए। ये हमारी एक कंप्लीट मार्कशीट है जिस पर हमने टोटल परसेंटेज ऑफ ग्रेड के फार्मूलों को यूज किया है।